वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टोरी किंग। सो चालू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले मूवी द लवर और ये इसकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक 16 साल की लड़की और 32 साल के आदमी का, ये जो है क्या ओल्ड आदमी का अफेयर बताया वाला एक साथ में, और ये स्टोरी चालू होती है जो एक लड़की रहती फ्रांस की लड़की रहती और चाइनीज जो मैन रहता वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताए उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ट रही मूवी की। और जैसे कि नेम इंडिकेट करता मूवी का नाम द लवर है मीन्स, और ये जो मूवी है रोमांस और ड्रामा के ऊपर बेस्ड है। ये स्टोरी बताए एक पुराने डायरी में से ये स्टोरी को ले वाला है। एक वो जो यंग लड़की रहती उसकी जो प्राइवेट डायरी रहती उसके ऊपर से ये जो स्टोरी है बेस्ड है। जैसे कि स्टोरी स्टार्ट होती, अब ये जो राइटिंग में है एक बुक में राइटिंग रहती, अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक बोट पे, एक कैनल के ऊपर एक बोट रहती है, वहाँ पे जो है खूबसूरत यंग लड़की बोट के ऊपर खड़े वाली रहती और वो अलग अलग शूज़, नए वाले शूज़, डायमंड वाले शूज़ और जो मैन की टोपी रहती वो कैप रह के बोट के ऊपर खड़े वाली रहती। और थोड़ी देर के बाद में चारों तरफ देखने के बाद में लोकेशन होगी और स्पॉट देखने के बाद में वो लड़की वहाँ पे खड़े रहती। अब उसके जो शूज़ है उसमें जो डायमंड्स रहते वो तक बताए जाते और उसकी जो फैमिली की कंडीशंस रहती अच्छी नहीं रहती। उसका जो बड़ा भाई रहता बहुत ज़्यादा वायलेंट रहता और उसका जो छोटा पॉल रहता वो सब में ज़्यादा जो ब्रंट रहता उसके बड़े भाई का, जो टेंशन देता उसका बड़ा भाई उसके छोटे भाई को, वो पूरा वो जो यंग लड़की है पूरा फेस करती देखती पूरा उनके घर की फैमिली। और उनकी जो माँ है वो कुछ भी नहीं करती उसके बड़े भाई को रुकाने के लिए, लेकिन अब क्या करना करके उसका जो बड़ा भाई डिप्रेस रहता हमेशा, मीन्स सेकंड नंबर का जो भाई रहता है 12 महीने डिप्रेस रहता है, कुछ कुछ सब में बड़ा भाई है पॉल फर्स्ट नंबर का, वो सब कुछ घर में ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा टॉर्चर करते रहता। ऐसी जो है क्या बैकग्राउंड स्टोरी वो लड़की की बताया वाली। अब एक दिन वो जो है क्या अपने घर को, मतलब जो बोर्डिंग स्कूल रहता बोर्डिंग स्कूल को निकलती, वो बस में बैठे बाद में, अब बस में बैठे बाद में वो क्रॉस करने के लिए जाते क्या, एक बड़ा लेक रहता लेक को क्रॉस करने के लिए जाते, तो वहाँ पे उनको बोट क्रॉस करना पड़ता बोट से, क्योंकि वो जो इनके जो दूसरे सिटी में रहता, तो वहाँ पे वो बोट पे खड़े बाद में एक चाइनीज़ मैन उसको अप्रोच करता और सिगरेट ऑफर करता, और लेकिन उसके जो हाथ है क्या शेक करते रहते और वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता बार बार कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसा हो वैसा हो, उसको कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा देता और उसको ऑफ़र करता कि मैं तुम्हें क्या बोर्डिंग जो तुम्हारा बोर्डिंग हॉल है वहाँ तक मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। और वहाँ पे वो ब्रिज क्रॉस करते जाते टाइम में दोनों साथ में, और वो जो चाइनीज़ मैन है डरते डरते कैसा तो भी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लड़की से, और जो लड़की है उसको झूठ बोलती कि वो 17 साल की है। और जैसे जैसे कार्ड आगे बढ़ती चाइनीज़ मैन ज़्यादा बोल्ड होता और वो दोनों जो है क्या साथ में बैठे वाले रहते और अकेले रहते कैबिन में, लेकिन जो चाइनीज़ मैन का हाथ बताए मूवी में जैसे जैसे आगे बढ़ता उसके हाथ है क्या लड़की के प्राइवेट पार्ट रहती, यहाँ तक कि वो स्टोरी बताए। बाद में फिर आगे चल के उसकी एक फ्रेंड रहती एला नाम की, एला नाम की जो फ्रेंड के संगात में हर बात वो डिस्कस करती और अच्छी फ्रेंड रहती, वो दोनों संगात में डिस्कस करते, लेकिन दूसरे दिन अगले दिन वो जो चाइनीज़ मैन है वो उसकी जो कार है बोर्डिंग हाउस के बाहर खड़ा रहती और वो जो लड़की जाके जो ग्लास रहता उसका कार का उसको जाके खींच देती। फिर उसके अगले दिन वो कार देखती पार्किंग लॉट में तो कहीं कार दिखती नहीं चाइनीज़ आदमी, लेकिन अब अगले दिन उसको जो है क्या वो कार दिखती और कार दिखने के बाद में वो चाइनीज़ आदमी वो दोनों उस चाइनीज़ मैन जो है क्या लड़की को साथ में लेके एक पुराने जो है क्या मार्केट में ले जाता एकदम स्टोर में, वहाँ पे एक छोटा सा घर रहता वो घर को ओपन करता और उसके पड़ोसी पूरे देखते, लेकिन वो ज़्यादा बिजी रहते काम में तो इग्नोर कर लेते जितना भी क्या कुछ भी हो रहा है एरिया में। तो वो दरवाज़ा खोले बाद में दोनों साथ में जाके कमरे में उनको फर्नीचर दिखता और चाइनीज़ मैन बोलता है कि ये मेरे पूरे फादर ने फर्नीचर जो है क्या अरेंज करे वाले। पीछे जो यंग गर्ल है उसको पूछती कि क्या तुम्हारे अफेयर बहुत ज़्यादा लड़की के साथ में, वो बोलता नहीं, लेकिन चाइनीज़ आदमी उसको रिवर्स में पूछता कि तुम किसी के साथ में भी जाऊँगी क्या, यंग लड़की को पूछता, लेकिन लड़की जो बोलती स्मॉलली कि नहीं मैं किसी के साथ में नहीं जाऊँगी, और स्लोली उसकी जो है टोपी कैप निकालने के बाद में अनड्रेस होना चालू कर देती। थोड़ी देर के बाद में वो बेड पर जाके लेटती और जो यंग लड़की रहती वो अप्रोच करती चाइनीज़ मैन को और चाइनीज़ मैन क्या है डिज़ायर में वैनिश हो जाता और आगे चल के फिर उनके जो है क्या बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते। थोड़ी देर के बाद में जब दोनों जने सो वाले रहते रात जाती और चाइनीज़ मैन जो है क्या लड़की को नहलाता खुद के हाथों से और दोनों जने रोमांटिक पाता
चालू रहते दोनों के। अब यहाँ तक आने के बाद में स्टोरी, वो दोनों जने डबल उनके फैमिली के जो इश्यूज़ है वो डिस्कस करते साथ में, और जो लड़की है वो डबल उसको अप्रोच करती और डबल दोनों जने इंटीमेट हो जाते। अब आगे चल के स्टोरी क्या बताई कि जो चाइनीज़ आदमी है उसकी कार भेजते रहता और बार बार जो है यंग लड़की उसके रूम पे जाते रहती, और जो चाइनीज़ आदमी बताता उसको क्या रीजंस है उसके, और इधर क्या होता कि उसके जो पूरे फैमिली को अफेयर मालूम हो जाता चाइनीज़ आदमी का और गर्ल का। तो इधर जो है क्या उसको घर वाले टॉर्चर करते। सडनली चाइनीज़ मैन जो है क्या वायलेंट हो जाता है लड़की के सामने, पूरे कपड़े निकाल के वो फोर्स करता खुद को, और लड़की जो है क्या थोड़े प्लेजर में इन्वॉल्व हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में डबल वो चाइनीज़ आदमी पूछता कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं ओरिजिनल में, तो फिर वो लड़की बोलती है नहीं, मैं सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ में आई, बस ऐसा बोल के जो स्टोरी है क्या आगे बढ़ती। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती चाइनीज़ मैन बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता वो रिलेशनशिप में, और इधर जो है घर पे उसके और क्राइसिस बढ़ते रहते। जो उसका बड़ा भाई है वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता उसको, मारता घर पे, इधर अलग जो है क्या फैमिली में टेंशन बढ़ते रहते। अब सब जने जो है क्या उसका जो छोटा लड़का था, मैं छोटा भाई जो रहता यंग गर्ल का, वो है क्या उसको गांव मतलब जो सिटी है वो छोड़ के जाना पड़ता, और इधर चाइनीज़ मैन डिप्रेस हो जाता पूरा, क्योंकि वो जब है कि उसके फादर को पूछता कि मैं मेरी मैरिज कैंसिल करके इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो उसका फादर नहीं बोलता। और इधर फिर ये चाइनीज़ मैन टेंशन में रहता, इधर उसकी फैमिली की प्रॉब्लम बताए। तो यहाँ तक की स्टोरी पहुँचती। आगे चल के क्या होता कि जो चाइनीज़ मैन के जो शादी अरेंज मैरिज रहती वो फाइनली जो है क्या होने लगती। अब ये जो चाइनीज़ स्टाइल में ये मैरिज जो है क्या आगे बढ़ती, और यहाँ पे सब लोग आते, और लड़की पूरी जो उसके जो कपड़ा रहता उसके चेहरे पे वो भी देखती, और यंग गर्ल दूर से देखती, और देखने बाद में घर पे जाती। अब यहाँ तक कि मैं स्टोरी स्पॉइल करूँगा, आगे की स्टोरी मैं बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि पसंद नहीं आएगी आपको अगर मैं टोटली स्टोरी जो है स्पॉइल कर दूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को द वर्ल्ड स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।